आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग की दूसरी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो के ऊपर। जैसे कि हमने कल आपको बताया कि जो हमारे एक्सेल के अंदर में एक सिस्टम है कि आप अपने कोड को रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट है? तो रिकॉर्डिंग माइक्रो यहाँ पे व्यू में भी होता है हमारा रिकॉर्ड माइक्रो। तो रिकॉर्ड माइक्रो काम क्या होता है कि आपके जो स्टेप्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, मैंने लिख दिया रॉल और मैंने लिख दिया मार्क्स। तो ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊं माइक्रो लिस्ट में, व्यू माइक्रो पे, और इसको जो मैं एडिट करूं, तो हमारे वीवी जो खुल के आएगी, आप देखेंगे कि कोड खुद ब खुद इसने जनरेट कर दिया। इसमें दो क्वेश्चन आता है। पहली क्वेश्चन कि जब हमारे पास ऑलरेडी कोड लिखने वाला सिस्टम है, तो फिर मैं वीवीए प्रोग्रामिंग क्यों सीखूं? एक अच्छा क्वेश्चन है सर। इसका जवाब ये है कि ये आपका बहुत ही कम लिमिटेशंस इसमें होते हैं। इसमें से रिपीटेशन, से लूपिंग जैसे चीजों को नहीं कर पाता ठीक है। ऐसे चीजों को नहीं कर पाता है, इसलिए हमें रिकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा। मतलब कि आप अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग माइक्रो चलते हैं, तो ये का सिर्फ 5% ही यूज कर पाएंगे। समझ गए सर? आप वीवीए के 5% ही यूज कर पाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, तो फिर फायदा क्या है इससे? क्या जी, तो आपकी लर्निंग के लिए आपके लिए फायदा है। जैसे कि आगे चल के जो आप ये करेंगे, आगे चल के जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको मान लीजिए कि पेस्ट कॉपी आपने कर दिया, बट पेस्ट स्पेशल करने का कोड आपको याद नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे कि आप माइक्रो को रिकॉर्ड करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल आप अप्लाई करेंगे। तो फिर इसकी कोड में आके आप देखेंगे कि आप कि पेस्ट स्पेशल करने का कोड ये होता है, क्योंकि तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना सर कि आपको सारे कोड याद ना हो, क्या सर? नवनीत जी, यस सर। ऐसा ही बोल रहा हूँ ना? सर ये Macro 1 Macro 2 ये क्या कर रहे हैं सर मैं इसमें? आपको समझाता हूँ। पहले आप ये समझिए कि रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में, रिकॉर्डिंग माइक्रो के बेनिफिट्स के बारे में समझिए। और जैसे कि मुझे बिल्कुल अमित जी और घनश्याम जी सब लोगों से मुझे कोई एक पूछ रहा था कि आखिर कैसे होता है माइक्रो के बारे में, तो चलिए हम रिकॉर्डिंग माइक्रो को आपको समझाने से पहले हम आपको वीवीई के बारे में समझाते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी दूर हो जाए। कल भी फोन पे बात करते समय मुझे ऐसा लगा था। थोड़ा सा अपने कोर्स को जंप करते हैं, फिर वापस आएंगे। तो आपको माइक्रो का काम करने से पहले तीन चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज नोट कर लीजिए, पहला चीज कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। नहीं होता है तो फाइल की ऑप्शन पे जाइए। अगर आपके पास 7 है तो आपको जनरल में मिल जाएगा, नहीं तो आप जाएंगे कस्टमाइज रिबन में और यहां से डेवलपर टाइप को लेके आए, ठीक है? डेवलपर आ गया। दूसरा काम है कि आप माइक्रो सिक्योरिटी को इनेबल ऑल माइक्रोज करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। दूसरा काम आ गया। तीसरा काम, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं उस फाइल को आप सेव करेंगे, कहीं भी आप सेव कीजिए, मैं डॉक्यूमेंट में सेव करता हूं, तो यहां पे XLSM होना चाहिए, माइक्रो अनेबल वर्कफ्लो। ध्यान रखिए
आप गलती से भी अपने फाइल को एक्सेलस एक्स में सेव नहीं करेंगे। कहाँ सेव करेंगे? माइक्रो अंडरस्कोर, क्लियर है? क्योंकि आपने फाइल को सेव कर दिया इसमें तो आपके माइक्रोस को सेव ही नहीं करेगा, सो इस पे हमेशा सेव सेव कीजिएगा। सर ये तीन चीज करने के बाद अब मुझे माइक्रो बनाना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप माइक्रो क्या बनाना चाहते हो, क्या करना है आपको बनाना है। तो आपके पास होना चाहिए एल्गोरिथम। सर अगर उसमें बाइनरी में सेव करते हैं तो क्या होगा? फिर भी आपका माइक्रो नहीं आएगा, रन नहीं करेगा। माइक्रो आपको सिर्फ माइक्रो अनेबल वर्कबुक में आएगा, उसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर है बात आपको? तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सेव करना, इसलिए आप एक्सेल ऑप्शन पे जाएं, सेव पे जाएं और यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेल अनेबल माइक्रो वर्कबुक को सिलेक्ट करके ओके कर, तो आपको अब जरूरत नहीं है। दूसरा आता है कि आपको करना क्या है, जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे एक माइक्रो बनाना है, तो उसके लिए आप पहले एल्गोरिथम लिखेंगे नोट पैड पेन। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सबसे पहले मुझे एक फाइल को क्रिएट करना है, क्रिएट वर्क बुक, फिर उसको सेव करना है, सेव इन डी, ठीक है? उसका सेव करने से नाम की जरूरत है, तो नाम दे देते एज ए 1 2 3, एड सीट, रीनेम एज ए डेटा, लेट ए 1 एंटर नेम, बी 1 एंटर जॉब, सेलेक्ट सी 1 एंटर मार्क्स। मैं आपको ये नहीं चले चीज, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, क्योंकि कोडिंग करने से पहले आपको स्टेप होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन की कोडिंग पे एक ही काम करता है भी, समझ गए? तो आपको क्या क्या कोड किस क्या क्या काम करना है, किस सीक्वेंस में करना है, वो सीक्वेंस आपको लिखना पड़ेगा। और कोडिंग करने के लिए हमेशा हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इसका शॉर्टकट होता है Alt+F11। सो मेरे पास क्या करना है उसका एक स्टेप लाइन हो गया। तो सर ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा लिखे, ये आपके आपकी अपनी फाइल है, ये चीज आपके दिमाग में होती है, लेकिन आप कितना भी एक स्पॉट क्यों ना बन जाए, जब आप किसी दूसरे के फाइल पे काम करेंगे तो आपको एल्गोरिथम लिखना की जरूरत पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए ना कि घनश्याम जी ने अमित जी को एक फाइल बनाने की रिक्वेस्ट की, तो घनश्याम जी ने बताया कि मैम फाइल में तकरीबन 50-60 स्टेप है। अमित जी, क्या आपको घनश्याम जी की 50-60 स्टेप हमेशा याद रहेगी? नहीं, नहीं रहेगी ना सर? नहीं। तो आप उनके स्टेप्स को आप लिख लेंगे नोट इस पे, अपने पेन पे, रजिस्टर में, डायरी में, कॉपी में, पेन पेंसिल पेपर पे। उसके बाद आप कोडिंग बैठेंगे, जहां दिक्कत होगा स्टेप भूलेंगे, वहां आप रेफरेंस में ले लेंगे, ठीक है? तो ये आपको बेसिक नहीं है, ये आपको हमेशा काम आएगा, और सिर्फ ये आपका एक्सेल का पार्ट, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं जब विजुअल बेसिक खोलते हैं, तो विजुअल बेसिक खोलते समय इस तरह की स्क्रीन आता है। अब स्क्रीन को समझिए, आपका बिहेवियर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज होता है, जितने भी फाइल आपने खोल रखे उसका लिस्ट यहाँ पे आता है, और जिस फाइल में आपको कोडिंग करनी है वो यहाँ से एक्टिव आपको दिखेगा, ऊपर यहाँ भी दिखेगा, और जो जिस ऑब्जेक्ट को या जिस फाइल को सिलेक्ट करेंगे उसका प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे, और ये आपका वर्क एरिया होता है। जैसे कि मैंने इसमें बुक टू में हमने 3-4 शीट इंसर्ट कर लेता हूँ, कर लिया?
तो अब यहाँ देखेंगे तीन चार शीट्स है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कोडिंग कहाँ, तो शीट वन पे भी डबल क्लिक करके आप यहाँ भी कोडिंग लिख सकते हैं, शीट टू पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन पे कोडिंग नहीं करते। शीट वन पे हमने कोडिंग कर दिया तो जो हमारा कोड है वो शीट वन के प्रॉपर्टीज में सेव हो जाएगा, ठीक है। गलती से हमने सीट वन को डिलीट कर दिया तो कोड हमारा डिलीट हो जाएगा और डिलीट होते रहते हैं एक्सेल में। दूसरा, अगर इसमें कोडिंग लिखे तो बहुत सारे ऐसे लाइन ऑफ कोड है जो कि दूसरे शीट फाइल से लिंकअप नहीं होते, ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम हमेशा इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और अपनी कोड को मॉड्यूल्स में करते हैं सर। हेलो, तो जो मॉड्यूल, हाँ बोलिए। अच्छा, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है मुझे, सबको हो रहा है नहीं हो रहा, पर मैं भी एक बार मुझे एकदम क्लियर सुनने में नहीं आ रहा है। अब आ रहा है, चल रही है, ऐसा लग रहा है। अब आवाज ठीक है मेरी? अब बेटर है थोड़ी। हाँ, वो घनश्याम यादव जी के माइक से पीछे से शोर आ रहा था। अच्छा, हाँ, मैं उनको प्राइवेटली भेजा था पर शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। अच्छा, मैंने भी पढ़ा दिया है। आप अच्छा, रखिए, जब कुछ पूछना हो ना तो आप अनम्यूट करके पूछ लें। हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो मैं बोल रहा था कि जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसमें, जब यहाँ तक समझ में आ गया सर आपको, कि दोबारा समझा दूं मैं? एक बार वापस बता दीजिए प्लीज, थोड़ा मैं। देखिए, जब भी हम कोड करते हैं वो कोड करते हैं विजुअल बेसिक पे, जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट एफ 11। तो कोड हम सीट वन या सीट टू पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम कोड नहीं करेंगे। कोड ना करने का रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि यहाँ पे जो हम कोडिंग करेंगे वो इस सीट की प्रॉपर्टीज में सेव होगा और हमारे सीट्स जो है डिलीट होते रहते हैं। तो किसी ने शीट टू को डिलीट कर दिया तो आपके कोड्स डिलीट हो जाएंगे। और दूसरा रीजन होता है कि शीट टू में हम कोड कर रहे हैं और शीट थ्री शीट फोर का कोई ऐसा सेल का रेफरेंस ले रहे हैं, उसमें ही प्रॉब्लम करता है। इसलिए हम जब भी कोड करेंगे इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल्स और उस मॉड्यूल्स में हम कोड करेंगे। तो मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, अपने हिसाब से मॉड्यूल ले सकते हैं। जो मॉड्यूल है ये आपके बुक टू के प्रॉपर्टीज में सेव होगा। अब सबसे बात आता है माइक्रो डिक्लेरेशन, क्योंकि कोई भी क्या बोल रहे, सॉरी, जो भी मैक्रो रन करना है तो मॉड्यूल ही क्रिएट करना पड़ेगा। शीट वन, शीट टू, मॉड्यूल में देखिए, शीट वन पे भी, इस पे भी कोडिंग होती है। तो इसमें पब्लिक मैक्रो में दो टाइप है, इसलिए तो सर ये चीजें पहले की चीजें पढ़ाता है, जंप कर गया इस कारण से आपको समझ में नहीं आ रहा है। माइक्रो का दो होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो मोस्टली हम पब्लिक माइक्रो लिखते हैं, प्राइवेट माइक्रो हम उसको इवेंट माइक्रो कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सीट पे क्लिक करूं और मेरा क्लर हो जाए तो वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, जिसको बोलते हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो भी कोडिंग हम करेंगे वो सीट के ऊपर सिलेक्शन होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रे, ये हमारा सेल को कलर करने के लिए हो गया। अब मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा तो हमारा कलर हो जाएगा यहाँ सीट, लेकिन सिर्फ सीट वन पे हो गया। तो इवेंट माइक्रो है, इवेंट माइक्रो मतलब कि आपके यूजर के किसी पर्टिकुलर इवेंट पे आपका माइक्रो रन हो जाए, दैट कॉल्ड इवेंट माइक्रो। तो ऐसे माइक्रो की कोडिंग हम सी टू, सी थ्री पे जाके करते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। मोस्टली यूज होता है पब्लिक माइक्रो, जिसको हम मॉड्यूल्स में करते हैं ताकि इसको हम पब्लिकली कॉल कर सके कहीं भी। क्योंकि सीट वन पे जो कोड हुआ वो सीट टू के पे कॉल नहीं होगा, लेकिन मॉड्यूल्स वन में बना हुआ कोई भी माइक्रो किसी भी मॉड्यूल्स या किसी भी सीट पे कॉल हो जाएगा। और समझ में आ गया अमित जी?
हाँ जी, अब बात आती है माइक्रो का नेम लिखने की, तो दो तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं पब्लिक और यहाँ पे नाम देते हैं जो भी माइक्रो बनाना है, जैसे आरआर दे दिया, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जो भी हम कोड लिखेंगे इन्हीं के इसके बीच में लिखेंगे, ठीक है। जब इसको रन करना होगा तो आप देखेंगे कि आपके माइक्रो वाले लिस्ट में आरआर नाम का माइक्रो आ जाएगा। इसको बोलते हैं सर एक चीज का, सॉरी सर डिस्टर्ब फॉर डिस्टर्ब यू सर, एक चीज का डाउट है यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस, लाइक पब्लिक पहले पब्लिक लिखे, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये कल मैं समझा अगली क्लास में समझाऊंगा, थोड़ा सा लंबा रहोगे। पब्लिक समझ लीजिए ना, पब्लिक पब्लिकली यूज होगा, प्राइवेट किसी प्राइवेट ऑब्जेक्ट के लिए होगा, मुझे इसकी डिटेल हम अगली क्लास में समझा लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इस पे माइक्रो डिक्लेरेशन पे फोकस करें। यहाँ पे हम पब्लिक सब लिखेंगे, अब पब्लिक लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ सब भी लिखेंगे फिर भी वो अपने आप को पब्लिक ही रखेगा। तो जो भी कोड लिखना हमें इन्हीं के बीच में लिखना है। सर सब लिखने पे भी पब्लिक लिखेगा ऐसा क्यों? प्लस वन एंड वन बोथ आर इक्वल, प्लस वन वन इन दोनों में इक्वल है ना, सेम उसी तरह से आपका पब्लिक सब और सब एक ही है, आप पब्लिक सब भी लिख सकते हैं, सब भी लिख सकते हैं, पब्लिक ऑटोमेटिक को लगा लेगा। अब यहां पे बात आती है कि हम कोड क्या लिखें। देखिए आपका जो एल्गोरिदम है बीवीएम में मोस्टली चार मेन कोड होते हैं, देखिए पहला होता है एप्लीकेशन होता है हमारा वर्क बुक बुक्स, तीसरा होता है सीड्स, और चौथा होता है रेंज। ये चार ऑब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं मेन पिलर बोलते हैं। तो हमारा 80% कोड इन चारों में से किसी एक से शुरू होता है, समझे। और चार में से कौन होगा वो डिपेंड करता है आपके एल्गोरिथम पे। जैसे क्रिएट ए वर्कबुक, तो क्रिएट ए वर्कबुक क्या है, एक वर्कबुक को इफेक्ट कर रहा है ना, ये वर्कबुक की कैटेगरी में, तो हमने यहां पे क्या लिखा वर्कबुक्स डॉट एट। यहां पे आता है सेव इन द डी एच 1 2 3, मतलब कि जो फाइल क्रिएट हुई है उसको सेव करना। अब यहां पे एक छोटी सी दिक्कत है कि वर्क बुक्स यहां पे लिखेंगे बुक्स, इस फाइल को सेव करना है तो यहां पे होगा हमारा बुक 1.xls x या xlsm डॉट सेव एज, और कहां सेव करना है तो डी ड्राइव में 1 2 3 dot xls x के नाम से। ये समझ में अमित जी, घनश्याम जी, हेलो, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? मैं अब सोच रहा हूँ ये प्ले प्ले किस तरह से होगा, वो मैक्रो सेटअप करने के बाद होगा ना वो? हाँ मैक्रो तो प्ले यहाँ से करना है ना आपको, यहाँ से करना है ना, यहाँ से। अच्छा ओके, वो टिगर करते हैं, टिगर तो आपको यहां से करना है ना, तो यहां इस सब्जेक्ट में जितने भी लाइन ऑफ कोड होंगे वन बाय वन वो रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि हमने जो वर्कबुक ऐड किया है क्या वो हमेशा बुक वन ही रहेगा, बुक टू बुक थ्री बुक फोर हो सकते हैं, तो कोड को चेंज करना आपकी सिचुएशन के हिसाब से भी डिसाइड करना होता है। तो यहां पे मेरी प्रॉब्लम हो गई कि मेरा फाइल हमेशा बुक वन नहीं होता है, सो एक कोड हमारे लिए नहीं,
एक कोड वर्क नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जब कोड आप लिखिए तो आपके दिमाग में वो काम मैनुअली होना चाहिए। तो हमने देखा कि जब भी हम कोई नया फाइल क्लिक करते हैं, कंट्रोल इन करते हैं, नया फाइल लेते हो, वो फाइल ही एक्टिवेट होता है। तो हम लोग वर्कबुक को एक और इसका नाम होता है एक्टिव वर्कबुक। एक्टिव वर्कबुक फिक्स होता है और कोई पर्टिकुलर वर्कबुक है तो हम इसको देते हैं। सॉरी सर, तो यहां पे हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो आपका है इसमें आपका जो वर्कबुक था उसके जगह पे एक्टिव वर्कबुक। समझ गए सर? तो इस तरह एक्टिव वर्क, क्या बोल रहा है, एक्टिव वर्कबुक इस मींस जो टैब ओपन है वो एक्टिवेट है। अगर शीट वन पर क्लिक किया हुआ है तो वो एक्टिव है। शीट वन इज अ सीट, हम फाइल की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, पूरी फाइल की बात। हाँ ठीक है, ठीक है ना। अभी एक्टिव फाइल को दूसरा यहाँ पे ना, दूसरा यहाँ पे आपने लिखा ना डी ड्राइव 1 2 3, डी ड्राइव ने लिखा हुआ। डी ड्राइव मतलब ये तो नाम दिया मैंने इसको, मैं डी ड्राइव में जो नाम दिया 1 2 3 नाम से सेव कर दे। नहीं, वो ड्राइव के बदले स्लैश किया ना, तो वो स्लैश ही रहता उसमें। पाथ है सर। अच्छा अब ठीक है, पाथ तो आपका ऐसे ही होता है ना, डी ड्राइव का पाथ कैसा होता है? नहीं, ऊपर वाला अलग था, इसलिए अगर आप देखेंगे ना वापस। चलो ठीक है, आप पाथ देते हैं, ये पाथ देते, पाथ ही होता है ना सर? ना नहीं, ये सही है। आप देखो वापस, वो ऊपर वाले में अलग था, वो कॉलन नहीं था उसमें। अच्छा, कॉलन मैंने नहीं लगाया था। नहीं, कॉलन नहीं भी लगाया इसलिए मैं। हाँ चलो, मैं समझ गया। चलो सर, कल की। हाँ हाँ, इस तरह से यहाँ पे आता है एड शीट्स, तो हम यहाँ पे करेंगे शीट्स डॉट एड, क्योंकि यहाँ पे शीट्स का पार्ट है इसी। उसके बाद यहाँ पे होता है सीट को रिनेम करना है, तो सीट को रिनेम करने का तरीका होता है इस तरह से, ये सीट वन, जो भी सीट के नेम है, डॉट नेम इक्वल टू डेटा। क्या यहाँ पे वर्क करेगा, जो सीट ऐड हो, जैसे जब फाइल ऐड होती है तो बुक वन, बुक टू, बुक थ्री कुछ भी हो सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ऐसे सीट पे भी तो है सर। क्या आपका सीट का भी नाम होता है एक्टिव शीट। यहां भी आप सब कुछ सेम रहेगा, इसके जगह पे आप एक्टिव शीट लिख देंगे। उसके बाद आता है रिनेम, हो गया हमारा, हमें दोनों कर लिए। अब आता है सिलेक्ट A1, तो A1 क्या है, रेंज है, सेल है, सेल को रेंज बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम रेंज लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे रेंज A1.select, और यहां पे बोला है एंटर द नेम, तो यहां पे लिखेंगे हम सिलेक्शन या एक्टिव सेल भी लिख सकते हैं, डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, वही हमारा रिपीट हो जाएगा नीचे तक, और हमारा माइक्रो बन गया। तो हम माइक्रो इसी तरह से लिखते हैं, और कोड क्या है, हम अपनी एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी पे डिसाइड करते हैं, एल्गोरिथम किस चीज को इसे ये रीनेम डबल क्यों हुआ ये कहाँ रीनेम मतलब लाइक आपने डबल किया ना रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, यहाँ पे A1 ही रहेगा, AC हो जाएगा, मैं अभी चेंज कर ही रहा था। ठीक है, और ये जो दो कोड है ना सर, एक कोड हुआ ये आपका कोड हुआ और एक कोड हुआ, ये दो डेड है,
ठीक है ना, इसमें आगे सिंगल कोट लगा दिया ना, डेड हो गया है, समझे सर? हेलो सर, डीप में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है ये, बेसिकली हम लोग क्यों ये कोड किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमारा पर्पस क्या है ये कोड क्रिएट करने का? नहीं एक मिनट, बेसिकली मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे ए काम करने हैं, हमने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे ए काम करने हैं, इस काम के लिए मैक्रो बनाना है, ऐसे और भी काम हो सकते हैं, एग्जांपल तो छोटा ही दूंगा ना सर, एक बड़ी फाइल को बैठ के ऑटोमेट करने बैठे बैठ जाओ तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। हमने हमें बोला गया कि भाई आप एक मैक्रो बना दो, वो मैक्रो क्या करे कि एक फाइल इंसर्ट करे, उसको सेव करते 123 के नाम से डी ड्राइव में चाहे ई ड्राइव में, फिर उसमें एक सीट को ऐड करे, उस सीट का नाम डेटा लिख दे, फिर उस सीट के A1 पे जाए हेडिंग नेम दे दे, B1 पे जाए हेडिंग रोल नंबर दे दे, और C1 पे जाए उसकी हेडिंग मार्क्स दे, समझ गए? तो इसके लिए हमने एल्गोरिथम लिख लिया और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग अपना कोड जनरेट कर। अब मैं इस मैक्रो को यहां से अगर रन करूंगा तो इस सारे प्रोसीजर को फॉलो कर देगा। अब यहां पे देखिए एरर आ गया, डिबग करके पता चलेगा ये हाँ सेव नहीं कर पा रहा है, एक मिनट, स्लैश का दिक्कत होता है इसलिए, हो गया, स्लैश की दिक्कत थी, मैं गलत दे दिया। अब देखिए आपके यहां ई ड्राइव के अंदर 123 नाम का फाइल हो चुका है और इस 123 फाइल के अंदर डेटा शीट है और डेटा शीट में आपके सामने नेम मैक्स एंड रोल एंड मार्क्स जो है यहां बन चुके हैं और ये काम एक सेकंड में हो गया है। तो मैक्रो हम इसी चीज के लिए करते हैं। अमित जी अंजाम यादव जी, बाकी लोग और भी है, मोहित जी, जसवाल जी, क्या दिक्कत है इसमें आपको? तो इसमें आप दिक्कत सर ये है कि इसमें आपने देखिए इसमें आपने दो चीजें समझा, सुनिए इसमें आपने दो चीजें समझा, पहली कि हमें माइक्रो बनाने से पहले उसकी एल्गोरिथम तैयार करनी चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। जैसे इसी मान लीजिए कि हम वर्कबुक को इसी लाइन में दिक्कत होता कि वर्कबुक के सेव करने को हम पहले डाल देते और क्रिएट करने को हम बाद में डालते, दिक्कत होता ना, क्योंकि VVS सीक्वेंस को फॉलो करता है, मतलब कि वो पहले इस लाइन को चलेगा, फिर इस लाइन को चलेगा, फिर इस लाइन को चलेगा, अगर इस लाइन में एरर आया तो फिर यहीं पे रुक जाएगा, इसलिए एल्गोरिथम आपका सीक्वेंस बरकरार रखता है। दूसरा आपने ये सीखा कि VVA के अंदर में मेन चार फंक्शन होते हैं, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट और रेंज, और हमारी क्लासेस में आप यही चारों के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने गए तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या था, नाउन था, आपका कोई भी सेंटेंस मोस्टली नाउन से स्टार्ट होता है, क्या अमित जी आप तो पब्लिक स्कूल में पढ़ा होगा, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे। नहीं, मैं भी गवर्नमेंट में पढ़ा हूं। अच्छा अच्छा, चलिए सेम सेम। तो ये जो हमारा नाउन होता है ना, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली वर्ड नाउन से स्टार्ट होता है ना, सेम उसी तरह से VVA लैंग्वेज के अंदर में मोस्टली वर्ड मोस्टली सेंटेंस आपके इन चारों से स्टार्ट होते हैं। तो अब कोड को समझिए, ये तो हमने कोड लिखना दिखाया, आप कोड समझिए कोड क्या होता है। कोड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट जिसपे इफेक्ट होगा, दूसरा इस ऑब्जेक्ट पे करना क्या है और उसकी डिटेल्स। तो इसमें क्या है आपका, यहां पे लिखने का तरीका ये होता है किसी भी कोड पे कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स अगर रिक्वायर है तो, क्योंकि इसमें रिक्वायर है बट इसमें रिक्वायर नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स है ठीक है, बट इसमें रिक्वायर है कि कौन सी फाइल को, तो क्या करना है तो सेव करना है, बाकी डिटेल्स ये रहा। उसी तरीके से सीट ऐड, ठीक है, एक सीट ऐड कर, फिर
उसी को रिनेम करना है, सीट्स, कौन सा सीट, सीट वन, क्या करना है, नेम चेंज करना है, क्या नेम होना चाहिए, तो ठीक है। अब यहां पे क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स है, एक्टिव सीट, उसका नेम क्या करना है, उसका नेम करना है, क्या नेम है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे रेंज, ऑब्जेक्ट, डिटेल्स, ए वन, क्या करना है, तो सिलेक्ट। अब यहां पे डिटेल्स नहीं है क्योंकि सिलेक्शन में क्या डिटेल होगी, सिलेक्ट करना है तो करना है, लेकिन सिलेक्शन फिक्स है क्योंकि जो ऊपर हमारा रेंज ए वन सिलेक्ट हुआ है वो हमारा सिलेक्शन है। जैसे हमने यहां पे कर्सर रख दिया तो अभी हमारा सिलेक्शन कौन सा है, ए वन ही है ना, अगर कॉपी करते हैं तो ए वन कॉपी होता है, तो ऊपर वाली कोड क्या कर रहा है, ए वन को सिलेक्ट कर रहा है, ए वन डॉट सिलेक्ट, तो सिलेक्शन क्या करना है, उसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू, हमने बोला नेम, ऐसी B2 या B1 जो भी हो क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन फिक्स है यहां पे, क्या करना है, वैल्यू। तो यहां पे सिंपल सा होता है लोकेशन एंड एक्शन कि किस पे क्या करना है, समझ गए अमित जी, सर, एक सिंह जी, हेलो, हाँ बोलिए, अमित जी, मोहित जी, कोई डाउट? हाँ जी, नहीं, फाइन है। ये जैसे कि यहाँ पर एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज किया हुआ है, उसके बदले अगर सिर्फ सेव करते हैं तो आप सेव है जो सेव अलग अलग है, सेव करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो बस फाइल नेम देना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जब सेव करेंगे तो सेव और सेव एज डिफरेंट पार्ट है ना सर। हाँ जी, हाँ, आप सोचेंगे सर एक्सेल में तो ऐसा नहीं है, एक्सेल में भी अलग अलग ऑप्शन है, आप एक्सेल में जाके देखिए तो सेव और सेव एज, तो अगर आपका फाइल नहीं है तो जैसे सेव पे क्लिक करते हो वो डायरेक्ट कर देता है सेव एज, लेकिन वीवीए में ऐसा नहीं है। आपने सेव किया और आपकी फाइल सेव नहीं है, पहले से सेव नहीं है, तो सेव आपका पॉपअप दे देगा और आपका रुक जाएगा वहां पे। तो आप जो एक्शन अप्लाई कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्शन में इसका क्या यूज है, क्या ये बिहेव करता है, और उसी बिहेव से यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा क्योंकि ए आपके नॉर्मल एक्शन को ही ट्रिगर करता है, बस गया ना। हाँ जी, हमने लिखा ये कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग करेगा, ये वही करेगा जो आप मैनुअल करते हो, बस आपसे ये 1000 times फास्ट करेगा, समझ गया अमित जी? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? हाँ, अभी जो आपने लिखा है ये मॉड्यूल वन में लिखा है या टू में है, ये कहाँ से देख सकते हैं? वन में, हमारा वन में है। देखिए, देखने के लिए दो तरीके हैं, आप माइक्रोस पे जाएंगे यहीं पे आपको एडिट मिलेगा, ऑलराइट, एडिट करते हैं इसकी कोड पे आ जाएंगे, ओके, सबसे आसान तरीका। तो अगली क्लास में हम आपको ये जो रेंज जो हमारे एप्लीकेशन है इसको 1 by 1 बढ़ाएंगे। ये समझिए कि जो हमारा बेसिक एक्सेल था ना सर, हाँ। आपने याद होगा जब आपने अपनी एक्सेल की सीखना स्टार्ट किए थे उसमें आपने क्या किया, आपने फाइल ओपन करना सीखा था, सेव करना सीखा था, फाइल तो आप जो फाइल के ऊपर होती जो बेसिक जो चीजें थी उसी को वीवी के थ्रू सिखाएंगे। जो आप चारों ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे फिर हम VVA की एडवांस प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़े, ठीक है? तो आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, अगली क्लासेस हम सर मंडे को लेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये जैसे आपने बोला रिकॉर्डिंग मैक्रो है ये, पर इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, कोडिंग है सर, ये कोडिंग है, ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग तो हाँ, अपने आप हो जाता है। रिकॉर्डिंग मैक्रो के टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया है, ओके, हम आगे पढ़ेंगे उसको उस क्लासेस में।